समाजवादी पार्टी में जारी संग्राम को शांत कराने के लिए आज मुलायम सिंह यादव ने महाबैठक बुलाई, जहां मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। वहीं मुलायम के कहने से अखिलेश और शिवपाल यादव गले मिले, लेकिन मंच पर चाचा भतीजे के बीच नोकझोंक भी हुई। बैठक में मुलायम सिंह यादव खुलकर शिवपाल यादव और अमर सिंह के समर्थन में नजर आए। मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि शिवपाल और अमर सिंह मेरे भाई हैं, इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पार्टी के हालातों को लेकर बेहद दुखी हूं, जो अभी उछल रहे हैं, एक लाठी मार दी जाए तो पता नहीं चलेगा। जो अखिलेश के लिए नारा लगा रहे हैं, उन्हें क्या पता हमने क्या लड़ाई लड़ी। नारेबाजी करने वालों को निकाल देंगे। शिवपाल यादव जनता के नेता हैं। मैं शिवपाल के काम को नहीं भूल सकता, मैं भी कमजोर नहीं हुआ हूँ। मुलायम ने कहा कि जो आलोचना नहीं सुन सकता वो नेता नहीं बन सकता। हमारे एक इशारे पर युवा खड़े हो जाएंगे, ऐसा ना सोचें कि युवा हमारे साथ नहीं है। अमर सिंह मेरा भाई है, अमर सिंह ने कई बार हमारी मदद की। अमर सिंह नहीं होते तो मुझे 7 साल की जेल हो जाती। मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुख्तार का परिवार ईमानदार है, उपराष्ट्रपति उस परिवार से आए हैं। मैं जानता हूं कि पार्टी टूट नहीं सकती। मुलायम ने अखिलेश को फटकार लगाते हुए कहा कि पद मिलते ही आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या जुआरियों और शराबियों की मदद कर रहे हो? क्या अकेले चुनाव जिता सकते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमें हमारी कमजोरी दूर करनी होगी और एक दूसरे से लड़ना छोड़ना होगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भावुक होकर कहा कि मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा, मैं भी किधर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नेताजी मेरे लिए गुरु हैं, वह चाहे तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल सकते हैं, वह कहते तो मैं इस्तीफा दे देता। अखिलेश ने अमर सिंह पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ बोलूंगा। अमर सिंह के खिलाफ बोलने पर मुलायम ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। वही बैठक में शिवपाल यादव ने भी अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश अलग पार्टी बनाना चाहते थे, ये बात मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, मैं गंगा जल हाथ में लेने को तैयार हूँ। अखिलेश ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को कहा। वही उन्होंने कहा कि पार्टी में रामगोपाल यादव की दलाली नहीं चलेगी। अमर सिंह का पक्ष लेते हुए शिवपाल ने कहा कि 2003 में अमर सिंह की मदद से सरकार बनी थी, सपा में वो लोग रहेंगे जो ईमानदार है। मुख्तार अंसारी का नाम लेकर मुझे बदनाम किया गया। शिवपाल ने कहा कि यूपी का नेतृत्व नेताजी संभाले और मुझे पार्टी चलाने की छूट मिले। तो आज की इस महा बैठक में ये सब बातें निकल कर आई हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश पर आरोप लगाए हैं और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को कड़ी फटकार लगाई है और साफ कर दिया है कि वो शिवपाल यादव और अमर सिंह का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आज समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। आज की अहम बैठक में मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि वो अमर सिंह और शिवपाल यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने आज की बैठक में अखिलेश को उनकी हैसियत भी याद दिलाई। हालांकि मुलायम के कहने पर बाद में चाचा भतीजे गले भी मिले, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि गले मिले क्या दिल भी मिल पाएंगे? और अब अखिलेश का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अमर सिंह जिन्हें वो बाहरी कहते हैं वो पार्टी में रहेंगे, ये साफ हो चुका है। ऐसे में अखिलेश अगला कदम क्या उठाते हैं, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।